आपको क्या लगता है, डॉक्टर को मालूम है कि हार्ट अटैक कल होगा आज होगा? उसको तो ये भी नहीं मालूम 70 है 80 है या 90 है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? टू क्रिएट अ फियर। और फियर से क्या होगा, फिर ऑपरेशन के लिए इमीडिएटली? बहुत सारे लोगों को इतना बोलने का जरूरत ही नहीं, वो तो इमीडिएट तैयारी हो जाता है। हार्ट का सुनते हैं उसके मन में ऐसे ही डर रहता है, उसको ज्यादा डराने का। पर कभी कभी पेशेंट बोलता है, सर एक बात बताइए, ब्लॉकेज तो कल भी था, ब्लॉकेज तो आज भी है, कल तक तो मैं सारा ही काम कर रहा था, ये पेन तो मेरे को बड़े दिनों से है, मैं अब तो पता चला हूं, तो आप एक काम करिए, मेरे को आप डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं घर जाके फिर सोचूंगा। बोला नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आप करवट भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजिएगा। पेशेंट बोलता है, नहीं सर मैं तो घर जाऊंगा। बोला आप रुकिए, आपके घर वालों से मैं पूछता हूं। अच्छा, घर वाले बाहर कौन कौन वेट कर रहे होंगे? सारा खानदान वेट कर रहा होगा। वहां पे जाके क्या बोलना है कि पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, एनी मोमेंट ही कैन डाई, आप बोलो मैं बचाने की कोशिश करूं और जाने दूं। अच्छा, आंसर क्या होगा? वाइफ क्या बोलेगी कि जिंदगी भर इन्होंने मेरे लिए किया, आज मेरे को चांस मिला, आज तो मैं ऑपरेशन। वाइफ बोलती है कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना है, इनको तो बचाना। अच्छा, बेटा मानेगा कि नहीं? एक बेटा बड़ा समझदार होता है, बोलता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब एक बार बताइए, मैंने सुना है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है, इनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो क्या करूं कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, खाने पीने में क्या क्या चेंज लाना चाहिए? अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट मान जाएंगे इस बात में, वो बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ही इज डाइंग एंड यू आर टॉकिंग ऑल दिस रबिश। अच्छा, तब तक और जितने परिवार वाले बोले नहीं नहीं ऑपरेशन होना ही चाहिए। मेरे एक पेशेंट थे, बोले डॉक्टर साहब मेरे साथ पूरा ऐसे ही हुआ, मैं तो खाली एक बार टेस्ट कराने गया था और उसके बाद वो ऑपरेशन करके ही भेजे मेरे को वापस। मेरे एक और पेशेंट थे, बोले सर मैं फिर भी नहीं कराया, मैं निकल आया। मैं बोला आप निकले कैसे? बोला मैंने बोला मैं तो नहीं कराऊंगा, मुझे घर जाना है। वो बोले नहीं आप घर भी नहीं पहुंचेंगे। मैं बोला मैं लिख के देता हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने लिख के भी दे दिया, फिर भी वो जाने नहीं दिया। फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला देखो मैं करने तैयार हूं, पर प्रॉब्लम है मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो। तब इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर चले जाओ। फिर मैं जब घर जाने लगा तब फिर से बुलाया उन्होंने, बोला अब आप एक बार बताओ ये इतने पैसे आप कितने दिन में इकट्ठा कर सकते हो? तब मैंने बोला देखिए मुझे प्रॉपर्टी बेच के आना होगा, 2 महीना लगेगा। फिर मुझे 2 महीना उन्होंने टाइम दे दिया, बोला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद ही ऑपरेशन होगा। आपको समझ आ रहा है ऑपरेशन कब रुक सकता है? मैं ये नहीं बोलूंगा सारे जगह एग्जैक्टली यही हो रहा है, पर इसका ही कुछ छोटा मोटा रूप ये हॉस्पिटल का सिस्टम है। पर एक बात मैं जानता हूं, हॉस्पिटल को ये चॉइस देना चाहिए पेशेंट को, देखो द ब्लॉकेज इज सो मच, दीज आर द रीजंस, आप देखो क्या चाहते हो। आप अगर अपने आप को बदलोगे तो ऑपरेशन रुक सकती है, आप नहीं बदलना चाहते हो तो मैं ऑपरेशन कर दूं उसके बाद जाके बदलने का कोशिश करो। बट द हॉस्पिटल्स डोंट गिव चांस, उनको मालूम है ये एक मौका है, ऑपरेशन कर लेते हैं, बट उसके बाद भी उनको यही करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज तो पेशेंट को फिर भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं हार्ट के पेशेंट्स को मैं 3 चीज देखते दिखाऊं, एक तो दवाइयां है, एक बाईपास और एक एंजियोप्लास्टी। ये दवाइयां मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं दवाइयां क्या काम करती है, और अनदर 10 मिनट्स आई विल टेक। देखिए ये ट्यूब है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है और ये 80-90% ब्लॉक है, दिख रहा है आपको। अब ये पेशेंट को चलने से दर्द होता है, एक दवाई ऐसी है जो दवाई देते ये दर्द कम हो सकती है, कौन सी दवाई है? सॉर्बिट्रेट, नाम सुना आपने, क्या करता होगा सॉर्बिट्रेट? देखिए क्या करता है सॉर्बिट्रेट, दिस व्हाट इज द एक्शन ऑफ सॉर्बिट्रेट। क्या हुआ? ट्यूब चौड़ी हो गई, ब्लॉकेज वहीं की वहीं रह गई, ट्यूब चौड़ी हो गई, ट्यूब थोड़ा फैल गया, फैलते क्या हो गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई। पेशेंट बोलता है मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, पर यह दवाई का असर रहेगा 8 घंटे बाद, तो 8-8 घंटे में एक एक सॉर्बिट्रेट देनी पड़ेगी। एक पेशेंट मेरे को बोला मैं सॉर्बिट्रेट नहीं लेता हूं, मैं मोनोट्रेट लेता हूं। मैं बोला वो भी सॉर्बिट्रेट का ही भाई है। तो ये जितने भी सॉर्बिट्रेट है उनका नाम मैं आपको दिखा सकता हूं, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्बिट्रेट एंड ऑल, ये सब दवाई हम लोग दे देते हैं। सॉर्बिट्रेट, इस्मो, आइसोडिल, मोनोट्रेट, नाइट्रोफिक्स, एंजिसेड, इमडूर, वेंजिकोर, वेसोट्रेट, मोनोट्रेट, सॉर्बिट्रेट, मोनोसॉर्बिट्रेट, नाइट्रोकॉन्टिन, वेसोप्रीन, मोनोस्प्रीन, इस तरह की दवाइयां हम हार्ट के पेशेंट्स को दे देते हैं। एनीवे, दवाइयां बहुत सारे तरह के मिलती है। एक होता है हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देता है, इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर एस इनहिबिटर, ऐसे करके बहुत सारी गोलियां हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल। कुछ ब्लड पतला करने का दवाई भी देते हैं, आपने देखा है नाम, इकोस्प्रीन, कोल्स्प्रीन, एएसए, डेलिस्प्रीन, डिस्प्रीन, क्लोपिग्रेल, क्लोपिलेट, क्लोपिवास, सिरुवीन, क्लैबिक्स, क्लोट्रेल, क्लैजरिल, स्ट्रोमेक्स, डीप्लैट, इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए।
पर ये गोलियां देने से भी पेशेंट ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं वो लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ब्लॉकेज को कम करें कि उनको देने की जरूरत पड़े ही नहीं। अच्छा, ये गोलियां इतनी खाएं कि इसके साइड इफेक्ट्स होती है क्या? अगर साइड इफेक्ट होती है कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन की और गोली दूंगा, और एसिडिटी हो जाए तो एसिडिटी की गोली दूंगा, और नींद ना आए तो नींद की गोली दूंगा। अच्छा बताइए, बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई एम नॉट कीन, मैं जानता हूं दवाई आज जरूरत है, पर कल दवाई की जरूरत ना हो उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलते हैं ये एंजियोग्राफी क्या चीज है। हॉस्पिटल में जाते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, और ये एंजियोग्राफी मुझे पसंद क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एंजियोग्राफी। एक तार आपके पूरे बॉडी को स्क्रैच करके हार्ट तक लेके जाना है। ये तार यहां से जो घुसेगी, 1 meter वायर इज इंसर्टेड इन टू द बॉडी टिल इट रीचेस द हार्ट। इट इज अ ब्लाइंड प्रोसीजर। ब्लाइंड मतलब क्या? आप घुसा दो, ये अंदर जाती जाएगी, और अगर अटक गई तो वापस खींच के फिर से ट्राई करना होगा। मतलब वो अंदर स्क्रैच करेगा ही करेगा, पूरे बॉडी को स्क्रैच करती है। वो लिखवा लेते हैं कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और ये पूरे बॉडी को ये पंक्चर भी कर सकता है। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एंजियोग्राफी के वक्त ही डेथ हो गई। एंजियोग्राफी में पैर को काटना पड़ा अल्टीमेटली, क्योंकि वो पैर की ट्यूब को डैमेज कर दिया। तो एंजियोग्राफी मैं नहीं चाहता हूं, और उसके बाद क्या होगा? इनएक्यूरेसी अबाउट द रिपोर्ट, और उसके बाद प्रेशर फ्रॉम द कार्डियक डॉक्टर्स फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। पेशेंट को लगता मेरे को इमरजेंसी हो गया, बट इमरजेंसी प्रिसिपिटेट कराया जा सकता है। एनीवे, ये एंजियोप्लास्टी जो है, ये दो ऑपरेशन, दो चीज वो लोग करते हैं, एंजियोप्लास्टी एक बाईपास सर्जरी। मैं एंजियोप्लास्टी 2 मिनट आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट इज दिस एंजियोप्लास्टी? एक स्टेंट लगाते हैं, सुना आपने नाम, एक रिंग लगा देते हैं हार्ट में। व्हाट इज दिस? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। पिछले 20 साल में ये जो एंजियोप्लास्टी है, ये बार बार फेल किया और बार बार इसको सक्सेस बताया गया। पहले आई थी बेलूनिंग, बेलून एंजियोप्लास्टी, उसके बाद बहुत सारे तरह के एंजियोप्लास्टी आई, ऑर्डिनरी स्टेंट आई, फिर गोल्ड स्टेंट आई, फिर रोटा ब्लेडर आया, रेडियो एक्टिव स्टेंट आई, लेजर एंजियोप्लास्टी आई, आजकल चल रहा है ड्रग कोटेड स्टेंट। पर ये सारे के सारे फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए एक बार समझाना चाहता हूं। देखिये, ये बेलूनिंग क्या चीज है? याद है आपको, एंजियोग्राफी के वक्त तार अंदर घुसाई थी, वो कहां तक गई थी? हार्ट तक, यहां तक तार आई थी। इस तार के ऊपर ये बेलून रोता है, इस तार को थोड़ा सा धक्का मारते हैं। कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट तार को अंदर रख के बाहर आ जाते हैं, आके बोलते हैं देखो तार अंदर है, बोलो तभी खोल दूं। आप बोलते हैं चलो खोल दो, कितने लगेंगे? 2 लाख लगेंगे। 2 लाख दे दिया। अब ये तार को ये लोग धक्का देते हैं थोड़ा और, तो तार की जो बेलून है ये बीचों बीच आ जाती है ब्लॉकेज में। अब इस बेलून में पानी डालना होता है। ये बेलून ऐसा होता है, इसमें पानी डालते ही बेलून फूल जाती है। अच्छा, पानी कैसे डालेंगे? आपने होली में बेलून फुलाया एक सिरिंज से? सिरिंज में पानी ले लो, सिरिंज को दबा दो तो बेलून के अंदर पानी घुस जाए। तो बाहर से सिरिंज से पानी डालेंगे तो बेलून क्या होगा? फूल जाएगी। फूलते ही ब्लॉकेज कहां गई? साइड में दब जाएगा, ऊपर कंप्रेस्ड हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ड हो जाएगी। अच्छा, ये बेलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा? बेलून को वहां पे 2-4 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हार्ट अटैक हो जाएगी, 100 हो जाएगी ब्लॉकेज। तो बेलून में पानी डाला और सिरिंज से वापस पानी खींच लिया। जैसे ही पानी खींचा, बेलून वापस चिपक गई, तार को पकड़ के बाहर निकाल लिया। एंजियोप्लास्टी ओवर। आपको समझ आ रहा क्या करना पड़ा? ये तार यहां थी, इसी को थोड़ा आगे किया, बेलून डाला, पानी निकाल लिया और ब्लॉकेज वापस। अच्छा, ब्लॉकेज वापस आ जाएगी नहीं आ जाएगी इसके बाद? क्या लगता है आपको? दिस इज इलास्टिक। इलास्टिक समझते हैं आप? ये लोहा या पत्थर नहीं, इलास्टिक है। और जैसे ही बेलून निकाल लिया, ब्लॉकेज वापस आने लग गई। थोड़े साल बाद यही कार्डियोलॉजिस्ट मान गए बेलूनिंग काम की नहीं है। पहले क्लेम किया था बेलूनिंग एक बार कराओगे जिंदगी भर चलेगी, फिर मान गए काम की नहीं है। फिर क्या हो गया? फिर वो बोले इसमें स्टेंट लगाना होगा। व्हाट इज दिस स्टेंट? लुक एट दिस, दिस इज अ ब्लॉकेज। दिख रहा है आपको येलो कलर की, और इसके अंदर एक बेलून डाल दिया। आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बेलून? बेलून में पानी डाला तो ब्लॉकेज कहां चलेगी? साइड में आ गई। जब बेलून निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आएगी, तो यहां पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ये स्प्रिंग क्या काम करेगा? ब्लॉकेज को आने से रोक देगा। आपको समझ आ रहा है स्प्रिंग का मतलब क्या है? अगर स्प्रिंग डाला गया, इसका मतलब क्या है? कि ब्लॉकेज वापस आ रही थी। इसका मतलब पहले वाला जो क्लेम था वो गलत था, कि बेलूनिंग करा लो ठीक रहा। इसके बाद ये जो स्टेंट लगी, स्टेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से ब्लड जाएगी, और फॉरेन बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी होती है। ये देखा गया है स्टेंट में 6 महीना 1 साल में सारे ब्लॉक आ जाती वापस। और ये जब वापस आने लगी, तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला नहीं 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 आती है, नहीं आती है। थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला कि नहीं, ये स्टेंट तो खराब होगी, क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टेंट है, इसमें एक मेडिकेटेड स्टेंट देना होगा। वो दवाई में डाल के स्प्रिंग को निकाल लेंगे, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ड्रग की कोटिंग चल जाए। आपने देखा है चांदी के गहने में सोने की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो वो
स्प्रिंग के ऊपर कोटिंग चढ़ा देते हैं और वो कोटिंग चढ़ा के लगा दिया, पर इसके बाद भी ये फॉरेन बॉडी ही रही, इसमें वही का वही रिजल्ट आया है। अभी लेटेस्ट है कि 66% पीपल विद इन वन ईयर विल कम बैक विद अ री ब्लॉकेज। इसके बाद है बाईपास सर्जरी, एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है। देखिए बाईपास सर्जरी मैं इसलिए नहीं चाहता हूं, एक बहुत बड़ा सर्जरी है। एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के, इसको चाकू से नहीं कटेगा, इसमें आड़ी से कटेगी। आड़ी समझते हैं आपने मार्बल फिटिंग के वक्त एक देखा है, गोल चक्का लेके घूमते हैं ऐसा, एक लगा के ये पूरा खुलेगी, इसको इसको अंदर से ऐसे जैक करके ऐसे खोलेगा, अंदर में हार्ट को रोक के उसमें ऑपरेशन होगी। और हार्ट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉडी को ब्लड जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट लंग मशीन, उसमें कुछ ब्लड डाल के उससे चलाना होगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस, बट दिस ऑपरेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लक अच्छा हो तब ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। पर ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ये देखिए ऑपरेशन के बाद क्या होगा, ये ट्यूब जो ब्लॉकेज है वो यहीं रह गई, उसके जगह नई ट्यूब लग गई। तो ये ब्लॉकेज के जगह नई ट्यूब लग गई तो क्या हो गया, बाईपास हो गया। पर ये नई ट्यूब में फिर कभी ब्लॉकेज आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है, ये नई ट्यूब में फिर से ब्लॉकेज आती है? अच्छा अब तो 40 साल बाद ही आएगी ना, पिछले बार कितने साल लगी थी आपको याद है? देखिए एक वाई का जवाब सोच के देखिए, ओरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज हुई थी, 20 से 40 साल, तो कितनी स्पीड रही, 2 से 4% 6% पर ईयर। और एंजियोप्लास्टी के बाद अगर 2 साल में वापस रीब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई, 40% पर ईयर। और बाईपास के बाद अगर 5 साल में रीब्लॉकेज आती है तो 20% पर ईयर। जो ट्यूब ओरिजिनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब वो ओरिजिनल नहीं रहा। हमारी बॉडी को जब तक ओरिजिनल रखो तब तक अच्छी बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2-2 बाईपास कराई है, एंजियोप्लास्टी 5 स्टेंट लगाई है, पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा, एक बार कर लिया दूसरे बार कराए, कब तक करा सकता आदमी? और मैं जानता हूं बॉडी में एक बार कॉम्प्लिकेशन कराना उनके लिए तो चलो बहुत बड़ा टीम लगेगा, हर आदमी के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है और इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं भी कर सकते ठीक से। पर मैं जानता हूं अगर ऑपरेशन बिना ही हमारे काम बन जाए, अगर हम लाइफस्टाइल को ही चेंज करके कर सकते हैं तो हम ऑपरेशन क्यों करवाएं। एंड दिस इज व्हाट इज द कंटेंशन। नेवरदिलेस मैं हार्ट के पेशेंट को एक ही चीज समझाता हूं कि ब्लॉकेज अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए थोड़ा आपको एक्यूरेसी करना होगा। व्हाट इज दिस एक्यूरेसी, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द एक्यूरेसी। इस पिक्चर को आपने देखा है, इसमें एक्यूरेसी लिखा है, कितना एक्यूरेसी है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये एक ड्रम है, ये ड्रम में मैं पानी भरना चाहता हूं और इसमें 15 छेद है, आप बताइए कितनी छेद बंद करने से ड्रम भरेगी? याद है 15 कारण है, अब इसमें से कितने को कंट्रोल करूं कि ड्रम भर जाए? सारे को करना होगा। अच्छा मैं हार्ट के पेशेंट्स को क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है इसके बारे में, वो क्या बोलते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, शुगर कंट्रोल है, बीपी ज्यादा है। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंद चाहिए मुझे। बोलते मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा? मैं बोला थोड़ा थोड़ा से इतना काम नहीं चलेगा। बोलते मैंने बीपी कम किया हूं पर पूरा कम नहीं कर रहा हूं, 120 नहीं ला रहा हूं, 140 ही रखा हूं। मैं बोला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चाहिए। हाँ इसके लिए शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपसे कम नहीं हो रहा, मैं दवाई देके कम कर देता हूं, पर स्मोकिंग आपको पूरा ही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरवेट कम करना होगा, खाना पीना में फाइबर ज्यादा डालना होगा। अच्छा ये सब संभव है क्या लोगों के लिए? यस, क्या प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल सी बात है, इसको क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं सिगरेट बंद कर सकते, क्यों नहीं मीट बंद कर सकते, क्यों नहीं तेल घी छोड़ के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं? तो ऑल दीज इफ यू डू देर इज नो प्रॉब्लम। नेवरदिलेस मैं जानता हूं, एक और छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूं। अभी एक और नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, आदमी को मैं सोचता था बिना काटे कुछ हो सके, ये हमारी कुकिंग की क्लास है, दिस इज द कुकिंग क्लास। मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देता हूं, दिस इज माई डाइटिशियन टीचिंग कुकिंग, जीरो ऑयल कुकिंग टू द पेशेंट्स वाइफ्स। मैं हार्ट के पेशेंट्स को योगा सिखाता हूं, मैं बोलता हूं कैसे भी करो योगा करो आप, योगा करने की बहुत जरूरी है, उसके साथ उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितनी सामान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या प्रिकॉशन लो, दादर चढ़ो तो क्या प्रिकॉशन लो, आगे कौन सी योगा करो, कब तक करो, कौन सी मेडिसिन लो, कब तक लो। एंड फॉर दिस हाँ मैं एक मैगजीन भी निकालता हूं, इसका नाम है साउल टाइम्स। ये मैगजीन मैं हर महीने निकालता हूं, दिल्ली से निकलती है, हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा आपको एक फॉर्म दिया गया है क्या ऐसा, देखिए तो हैव यू गॉट अ फॉर्म लाइक दिस। ये फॉर्म में अगर आप अपने नाम एड्रेस भर के देंगे तो आपको ये मैगजीन आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैगजीन है। और इसके साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन ये रखा है कि यहां पे अगर हम लोग ऐसा कोई कैंप करवाएं,
So how many people will be interested to join such a camp? एक दिन का या दो दिन का ऐसा एक कैंप अगर हम करवाएं तो कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज फिल इट अप. मेरे को लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें अगर कैसे याद रखूंगा, मैंने बहुत मोटी मोटी किताब लिखी. आदमी बोलता है सर छोटा सा कुछ दीजिए ना कॉपी. तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जिसका नाम है पॉकेट गाइड. एक 30 रुपीज की किताब है, कोई 2 घंटा बैठ के पढ़ ले तो जितनी बातें मैंने बताई है सब इसमें लिख के रखा है. सो दिस बुक आई हैव ब्रॉट ओवर हियर. मेरे ख्याल से बाकी बुक्स तो मैं नहीं ला सकता हूं क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर देयर. तो मैं ये बुक लाया हूं, कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं और कोई को पढ़ाना चाहता हूं. हार्ट के पेशेंट को जरूर पढ़ाइए. 30 रुपीज की गिफ्ट होती है. यू कैन गिव इट टू एनीबडी एंड दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम द बुक. तो ये बहुत जरूरी है. मैं जानता हूं मैं ये मैगजीन पिछले 10 साल से रन करता हूं एंड इट इज गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं. देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स. देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है. बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं. इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है इनको जोड़ देते हैं आपस में एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स. जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहां से आने लगे. ये जो छोटे छोटे ट्यूब है ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं. और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई. एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है. इसको बोलते हैं कोलैटरल. बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी कोलैटरल्स बोलते हैं. कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए. तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें देके रखा है. ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी देके रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना. अच्छा ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम. देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना काटे वाली टेक्नोलॉजी है. ये देखिए ये ट्यूब्स हैं जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए. आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर. ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं. ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहां जाएगी, बॉडी में ही रहेगी पर कहां जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट के ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी. ये प्रेशर एक एक घंटे तक एक एक में इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है. सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे जब पूरे ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है. एंड दिस गोज ऑन ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को. एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी. आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल. तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास. नेचुरल बाईपास समझ रहे, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है. तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी. और एक मैं जैसे ही हाँ एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग. ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है, कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए. जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से. तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है बट अभी भी इसका रिजल्ट हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट आर स्टिल देयर. बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकती है. नेवर दिलेस, मैं समझता हूं मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया है. कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी को आधे घंटे से ज्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए. मैंने बोला क्यों, बोला आपने स्कूल उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है. मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलते आपने स्कूल कॉलेज में देखा है कभी भी पीरियड्स 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 मिनट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आधे घंटे ही चलेगा दिमाग. मैं बोला पर मैंने देखा आप टीवी देखते हो तो 2-3 घंटा देखते हो एक साथ. बोलते नहीं वो इंटरेस्टिंग हो तो देखते हैं. तो मैं जानता हूं आप हमारे साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए और आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा. मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं ये हॉल को अरेंज जिन लोगों ने किया उनको, श्री माफतलाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उनके लिए फिर से एक बार. I just wanted to formally thank Dr. Chajer for a wonderful, not only a wonderful talk, but highly personal and very interactive, and particularly the stamina and energy that is shown at the end of the day. Just came back from Hyderabad today, so I think we should give him a much more warm welcome.